तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं सभी लोग, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज पहला दिन है पाकिस्तान टूर पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन एनीवेज तो गाइस आज हम जा रहे हैं सबसे पहले, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं नाश्ते में। तो चलिए देखते हैं कि नाश्ते में अभी आज क्या करते हैं हम। और बाय द वे गाइस यहाँ पे अभी चल रहा है 14 सेंटीग्रेड और फील लाइक है 13, और आज में बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था मौसम और होटल सही था आपको जैसे मैंने दिखाया था। तो बस हम नाश्ता करते हैं और होटल से चेकआउट करके फिर हम डायरेक्ट निकलेंगे आगे की तरफ। तुझसा कोई नहीं। तो गाइस अभी आए हम तबारक रेस्टोरेंट में। ये हमारे होटल के करीब ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अभी नाश्ता करेंगे फिर हम आगे निकलेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे फिर हम आगे निकलेंगे। तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसीद को यकी, तुझसा कोई नहीं। तो गाइस अब हमारी हलवा पूरी आ गई। हमने हलवा पूरी ऑर्डर की थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हलवा पूरी समझ में आ रही थी इसलिए मैंने हलवा पूरी ऑर्डर की है। और आप देख सकते हैं ये इस तरीके की हलवा पूरी देखने में, आप देख सकते हैं ये पूरा, तो वो जो ट्रेडिशनल बाहर जो खाने होते हैं, दो पूरियाँ दी गई हैं। थोड़ी सी आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं और चलिए खाके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके की है, या कराची जैसी है या नहीं। तो गाइस अब मैं आपको खा के बताता हूँ कि किस तरीके की है, तो चलिए खाते हैं किस तरीके की है। जो मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस की हुई है कि हमारे जो पराठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं कराची में, यहाँ का पराठा थोड़ा सा मोटा है और थोड़े मोटे पेड़े का बना हुआ है। और चलिए हलवे के साथ लगा के मैं आपको खा लूँ। तो गाइस मैंने बना लिए एक बाइट, बहुत जाइगेंटिक बाइट बना लिया है और खाता हूँ। तो ऑलमोस्ट जो टेस्ट है वो सिमिलर है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि पराठा थोड़ा सा मोटा है, तो उसका थोड़ा सा जो पूरी है ये बहुत थोड़ी सी मोटी है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा सा चीव करना पड़ रहा है। और बाकी जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम है, और इनका जो हलवा है वो हलवा थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर का है और टेक्सचर भी इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस नॉर्मल जा रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा है। तो अभी आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। तो वैसे भी पिंडी में हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, और फिर अब आगे आप निकलेंगे अभी। तो गाइस चेकआउट कर लिया है होटल से और हम अब निकल रहे हैं आगे इस्लामाबाद से। अब आगे जाएंगे हम, और किधर जा रहे हैं हम? अब मुजफ्फराबाद जाने वाले हैं। अब पिंडी हम छोड़ रहे हैं और हमारी कार रेडी हो रही है बस, और अब हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद और फिर से आगे बहुत कूल जगहों पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सफर पे। ए रसूल आमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना बसीद को यकी, तुझसा कोई नहीं ए रसूल आमी खातमल। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं न्यूमरी में और यहाँ पे चेयर लिफ्ट जो है उससे हम बैठेंगे, और थोड़ी यहाँ पे अंधेरा हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेयर लिफ्ट जो है उसमें बैठेंगे। और अभी सबसे पहले टिकट लेते हैं और देखते हैं ये क्या प्रोसीजर है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस अब हम इंटर हो रहे हैं चेयर लिफ्ट के लिए, आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम चेयर लिफ्ट पे बैठने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि माहौल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द जितनी भी सारी जगहें हैं बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी वाली है, और जो मौसम है वो भी वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही कम है, बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट है पूरी बनी हुई यहाँ पे, और देख सकते हैं मैं जूम करके दिखाता हूँ। वैसे मैं उधर जाना नहीं है, असल में दायरे हम लिफ्ट पे जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। ए रसूल आमी खातमल मुरसली तुझसा कोई नहीं
देख सकते हैं यहाँ पे चेन लिफ्ट आ गई हैं और मशीन पूरी चल रही है, और अब यहाँ से हमें टिकट्स लेना है और अभी हम चले जाएंगे इन चेन लिफ्ट के अंदर। देख सकते हैं इस तरीके से चेन लिफ्ट आ रही है और देख सकते हैं इस तरीके से चेन लिफ्ट आ रही है और बना के लेके जा रहे हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं चेन लिफ्ट में बैठने, टिकट बस ले रहे हैं हम और चलते हैं अब चेन लिफ्ट के अंदर बैठने, बहुत इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा कैश काउंटर है और ये देख सकते हैं पूरे तरीके का ये पूरा बना हुआ है, और यहाँ पे चलते हैं और बैठते हैं इस चेन लिफ्ट में। ए रसूल अमी खातमुल मुरसली तुझसा कोई। तो गाइस अब बैठने वाले हैं हम चेयर लिफ्ट में, मैं पीछे खड़े हो गए, देख सकते हैं ये आ रही है चेयर लिफ्ट और अब बैठते हैं चेयर लिफ्ट में। तो मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं चेयर लिफ्ट में बैठ के वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस बैठ गए हैं, बड़ा गंदा झटका है चेयर लिफ्ट बैठते हुए में, और अभी हम बैठ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और चेयर लिफ्ट में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत स्लो स्लो चल रही है लेकिन मज़ा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, और आपका फ्रेंड दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये बैठे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत में। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ चेयर लिफ्ट में, आया बहुत दफ़ा हुई यहाँ लेकिन चेयर लिफ्ट में फ़र्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो गाइस मज़ा इंतहा से ज़्यादा आ रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। और नीचे आप देखें, नीचे मैं आपको मैं तो बोलूँगा मस्त ट्राई करें, अभी दबा अच्छा कार की थी दबिया चेयर लिफ्ट में कुछ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मज़ा इंतहा से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरी ग्रीनरी के बीच में सब जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उस तरीके का आप देखेंगे जैसे मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं इंतहा से ज़्यादा मज़ा है। ये चेयर लिफ्ट जा रही है, आप देख सकते हैं ये सब जा रहे हैं सुकून से। तो गाइस देखिए ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है, इसलिए मैंने वक्त कैमरा खोला, आप देख सकते हैं ऊपर तक जा रहा है। और मैंने अभी भाई से पूछा तो भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे चार तरीके की हैं, पहले हम इस पे बैठेंगे, फिर इसके बाद बन केबिन वाली में बैठेंगे, फिर इसके बाद और ऊपर जाएंगे, उसके बाद वापस से घूम के फिर इसमें वापस से आएंगे। इतनी लंबा तो नॉट बैड, 1000 रुपीज़ में पर पर्सन है और नॉट बैड, बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप देखें तो व्यू देखें, सारा व्यू का खेल है, आप सारे व्यू देखें, हर जगह जंगलात ही जंगलात हैं और इतना पीसफुल है। अगर आप टेंशन में और अगर आपको पीसफुल चाहिए तो That is the place that you want। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी जगह है। तो गाइस पांच हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक फाड़ ली है, पहले एक खाली थी, फिर केबिन, फिर खाली, फिर केबिन, फिर केबिन, आप देख सकते हैं। और पूरा 1000 रुपीज़ में पूरा हमें मिला है और नॉट बैड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू, आप देख सकते हैं नीचे भी आप देखें हम बैठे हुए हैं। Ya Allah, 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 thanks to Allah, Ya Allah, thanks to you, Oh Allah, you are the greatest, Oh Allah, thanks for everything. I'm celebrating this beautiful day. You have chosen us for this beautiful day. I'm really thankful to you for a wonderful day. I can see a smile. इस तरीके से मैं उतर गया हूँ इस तरीके से, और देख सकते हैं इस तरीके से और आ रहे हैं और मैं उतर चुका हूँ, अब अंदर चलते हैं। दूसरी वाली लिफ्ट आ गई है बंद वाली जो मैं आपको बता रहा था, और देख सकते हैं बंद वाली है, बहुत ही ज़्यादा ठीक है, बहुत ही अच्छा है, और देख सकते हैं इस तरीके से अब आराम से आ सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके की यहाँ पर ये वाली है और अब हम इसमें बैठेंगे, आप देख सकते हैं अच्छी मेंटेनेंस है भी इनकी सबकी, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे हम बैठ, तो गाइस देख सकते हैं अब आ गई है चेयर लिफ्ट और देख सकते हैं इस तरीके से खुल गई, अब इसके अंदर आराम से हम बैठते हैं। तो देख सकते हैं ये अंदर आ गया हूँ मैं सुकून से, और सुकून से इसमें बैठ के अब हम चलते हैं, और देख सकते हैं सुकून से बैठ गए अब इसके अंदर हम, और अच्छा एक तो चलिए देख सकते हैं ये आराम से हम बैठ गए, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जाने वाली है ये चेयर लिफ्ट, और देख सकते हैं तो मैं इधर आ गया हूँ सुकून से। अब आपको मैं दिखाता हूँ सारे मंजर, वैसे इसमें मंजर सही से दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि बंद है। तो गाइस देख सकते हैं हल्की हल्की स्पीड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, हल्की हल्की स्पीड बढ़ रही है और मैं थोड़ा सा खड़ा हो गया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ व्यूज़, और देख सकते हैं इस तरीके का, और बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गई अब ये, और बहुत ज़्यादा स्पीड में अब जा रही है ये लिफ्ट, वो चेयर लिफ्ट बहुत ज़्यादा हिल भी रही है ये वाली।
तो इसमें इतना कुछ दिखाने को नहीं है, मैंने दिखा दिया इस तरीके की पूरी बंद है, और आप देख सकते हैं नीचे व्यूज किस तरीके के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मजेदार व्यूज भी आ रहे हैं। तो गाइस ये पूरी तरीके से चिल्ले में अभी दरार आ रही है, बहुत बुरी तरह झटके ले रही है, अभी रुक भी गई थी 5-10 मिनट के लिए, पता नहीं क्यों हुआ था, कुछ समझ नहीं आया, आगे कोई बंदा अटक गया था क्या हुआ था कुछ समझ नहीं आया, 10-15 मिनट के लिए रुक गए थे हम, तो डर गए थे क्या हुआ, बीच सुनसान जगह पे रुके हुए, अब वो चल लिया बहुत बुरी तरह झटके ले रही है, पता नहीं क्या हो गया भाई। तो गाइस अभी आ गया हूँ अली चिल्ले से, उतर गया हूँ मैं, और मैंने पूछा क्यों रुकती है, बोले यार रुकती है यहाँ पे क्योंकि स्पीड में आ रही थी और यहाँ पे लोग उतरने में थोड़ा मुश्किल कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे रोक रोक के फिर उतारते हैं सबको आसानी से। तो और आप देख सकते हैं, और जो व्यूज़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतना प्यारा है, ऊंचाई बहुत ऊंचाई पे आ गए, कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं और शायद और ऊंचाई पे भी जाना है हमें, और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और एक्सेप्शनल है यहाँ पे, और ये फुल रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे आएँ और ये ज़रूर करें आप। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस से, अब ये हमारे लास्ट है, 5 नहीं थी हमारी 2-3 थी, और देख सकते अब देखिए कितना नीचे स्लाइड है, आप देखिए तो स्लाइड डर लग रहा है, अब कोई कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, बहुत ही ख़तरनाक स्लाइड है अब देखिए तो। और अब हम वापस से जा रहे हैं, अब हमारे चेयर लिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, ये बस एंड तक अब जाना है, अब देखिए ऊपर ज़रा आप व्यू देखें यार, माशाल्लाह ताला की कुदरत देखें यार, अब यहाँ पे ज़रूर आइएगा, ये तो मेरे मस्ट रिकमेंडेड है, अगर आपको कोई भी अगर आपको रिलीफ चाहिए टेंशन से, और क्योंकि जब भी आप शहर में होते हैं ना, टेंशन कोई ना कोई मिलती ज़रूर है, वहाँ पे पोल्यूशन इतना है, चीज़ें इस तरीके की टेंशन बहुत होती है, ट्रैफिक यहाँ पे आप देखिए पीसफुल, एक तरीके का भी शोर नहीं है, वहाँ पे इतना ग्रीनरी आप देख सकते हैं, तो आप ज़रूर आइएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और क्योंकि चेलिफ की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़। Ya Allah, 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 thanks to Allah, Ya Allah.